thank you so much, sir. It was very beautiful to go down the memory lane with him. Next on the stage is Samrat. He wants to share his thoughts with you. सर मैं आपकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ। कैंडा से टूंडस बड़ी छोटी बात है। मेरा मैं चाहता हूँ कि मुझे पीएचडी में रोल कहा कि हम अपने समय में मस्तियां करते थे, शरारतें करते थे। मैम आपकी विरासत को हमने बखूबी संभाल के रखा। आपसे ज्यादा ही मिलेंगी, कम नहीं। और आप इतने कीमती समय, जिंदगी के इतने कीमती समय में से मैम समय निकाल कर यहाँ आए, इसके लिए आपके घर में ही आपका धन्यवाद आने के लिए। ये आप ही का घर तो नहीं जाते मैं या जो प्रेजेंट में यहाँ पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट इस पीढ़ी के, इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पीढ़ी के सबसे छोटे वंशज हैं। सबसे छोटे आप उनसे, हम सबसे बड़े हो, तो उसके नाते भी आप सबका धन्यवाद। और ये चार पांच जो लाइनें हैं ये आपको आपके विद्यार्थी जीवन की, जब आप यहाँ रहे होंगे या है तो उसकी कुछ याद दिला दें, तो उसके लिए हैं। दिखाने लाए हैं आज हम आपको वो खूबसूरत जहां, जहां आज भी मौजूद हैं आपके कदमों के निशान, जहां ममता का आंचल थामे छूने आए थे आसमां, जहां मासूमियत की चादर ओढ़े बिठा था बचपना, जहां लड़ाई झगड़ों में भी पनपती थी बेजोड़ यारियां, ले आए हैं हम आपको दिखाने वो खूबसूरत जहां, जहां न मजहबों की कैद थी ना थी जिम्मेदारियां, आज बहुत कुछ पा लिया बेशक छू लिया है आसमां, लेकिन वो फुर्सत के लम्हे, वो मस्ती, वो बेफिक्री आज कहां फिर कहां, दिखाने लाए हैं आज हम आपको वो खूबसूरत जहां। ने कहा कि मैं बहुत शरीफ हुआ करता था। सर शायरी शरीफों के बस की बात है ही नहीं। JNU का एक स्टूडेंट है, उसकी दो चार गजलें वो लिखता है, तो मैं पढ़ देता हूँ। क्या महकना वादियों में क्या सवर जाने का शौक, क्या महकना वादियों में क्या सवर जाने का शौक, पाल बैठे हैं हम तेरी आंख में मर जाने का शौक, सरहदें बनती हैं इस खातिर कि हम हद में रहें, सरहदें बनती हैं इस खातिर कि हम हद में रहें, पड़ गया महंगा हमें हद से गुजर जाने का शौक, वो पुराना दौर था जब हम भी बहुत मासूम थे, वो पुराना दौर था जब हम भी बहुत मासूम थे, हम भी अब रखते हैं सब कहकर मुकर जाने का शौक, बे इरादा बे सबब बे खौफ पर बे फायदा, बे इरादा बे सबब बे खौफ पर बे फायदा, खामखा हम पाल बैठे थे उधर जाने का शौक। धन्यवाद। Will anybody else like to come and share their thoughts with us? Hustler, but still everybody felt that I am a hustler.
because I used to spend most of that time in hostel. And उस हॉस्टल में जो हुआ करता था that I want to share with you that कुछ एक songs जो है वो हॉस्टल में हुआ करते थे and one few lines that I reminded that is not for the person which is sitting in front of me. के दिल लगाने की सजा भी होगी हमें मालूम ना था. वैसे तो आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ लेकिन ये शेयर वगैरह मैं नहीं बोल पाता हूँ बट स्टिल दिल लगाने की सजा भी होगी हमें मालूम ना था. यूं मुस्कुराने की सजा भी होगी हमें मालूम ना था. हमने तो सोचा था कि मनाने से मान जाओगे तुम. हमने तो सोचा था कि मनाने से मान जाओगे तुम पर तुम्हें मनाने की सजा भी होगी हमें मालूम ना था. खोए रहते थे तुम्हारी यादों में हर पल. खोए रहते थे तुम्हारी यादों में हर पल पर जाग जाने की सजा भी होगी हमें मालूम ना था. So the one song that I used to sing in the hostel very loudly. किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है. किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है. कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है. ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है. थैंक यू. आई एम लेक्चरर इन अ गर्ल्स कॉलेज. तो मैं मैम से बात कर रहा था भावना मैम से. मैं कहीं बच्चे पहली बार आए तो अटेंडेंस मांग रहे थे. दूसरी बार असेसमेंट लगा. तीसरी बार बताने देना क्वेश्चन पेपर मांग. और एक बात का मुझे आज एहसास हुआ यहाँ पे पब्लिक एनुअल पर कि कुछ खास नस्ल के लोग मुझे कंप्लीट करनी थी. आपको बड़ा अच्छा लगेगा. कुछ खास नस्ल के लोग हैं ह्यूमैनिटीज में जिनको उर्दू से प्यार है और तबीयत में जिनके शायरी है और जिनके तलफ़ुस में प्यार है वो पब्लिक एंड एमए डिपार्टमेंट में आ जाते हैं. मतलब मैम ने जो शुरुआत करी आज और जैसा दौर चला और सब उर्दू के इतने मतलब नगीने हैं और कुछ दबे हुए होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे कि अगली बार हम करेंगे. मैं बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे वैसे क्योंकि मैम ने बोला था लेक्चर शुरू होते हैं तो फिर वैसे ही शुरू बंद होते हैं 55 मिनट बाद बैटरी डाउन हो जाती है. मैं जब इस डिपार्टमेंट में आया मैं कॉरेस्पॉन्डेंट से पढ़ा बीए सारी और एमए फाइनल ईयर में यहाँ पे आया. आई वॉज कराटे कोच ऑफ इंडिया टीम एंड किक बॉक्सिंग. सो वो जो लोग होते हैं ना कोच वो जितना मर्जी अच्छा पढ़ते हो उनको कोच ही माना जाता है कि ये ग्रे मैटर है नहीं. वहाँ से मैं इधर आया इस डिपार्टमेंट ने अपनाया. सेकेंड ईयर में ही था मेरा पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया बुक में और वहाँ से मेरी जिंदगी चेंज हुई. मैं आज 11 साल बाद यहाँ पे हूँ. मैं डिपार्टमेंट आता जाता रहता हूँ. 11 साल का जो दौर गुजरा उस दौर में मैं 10 साल से लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में. लास्ट ईयर मुझे कोरिया बुला के एक वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में मुझे अवार्ड दिया गया इंडिया के लिए एक थिंक टैंक के बीच में. और एक थिंक टैंक है इंडिया का लीडिंग थिंक टैंक उसमें मैं अभी गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूँ. तो आप इस कोई भी थिंक टैंक में काम करना चाहो तो यू कैन काम. इस सारी चीज़ों में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि 11 साल जब भी मैं डिपार्टमेंट की वो सीरीज चढ़ता हूँ जिसमें वो इकोनॉमिक्स पब्लिक एड्रेस सब कुछ है मैं हमेशा इसे मत्था टेक के चढ़ता हूँ. मुझे जो कुछ बनाया ना मेरी जिंदगी इस डिपार्टमेंट में आने से पहले नो इंटेलेक्चुअल ये सिर्फ वही है जो कोच है और एक जो दुनिया की जहाँ पे मैं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी मेकिंग के बीच में हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इस डिपार्टमेंट की देन है. मैं आज भी मत्था टेक के जाता हूँ और यकीन मानिए मैं कभी यहाँ रात को भी रहा हूँ. मैं गोमल सर के साथ काम करता तो रात को भी रोक लेते होते थे वो
पर हमेशा वो पहली बॉडी को मत्थे लगा के चलता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा रोजगार, मुझे मेरी पहचान, जो भी मैं आपके सामने हूँ, मुझे इस डिपार्टमेंट में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से यहाँ का सफर वही है। और मैं भी उस नसल से ही हूँ, मेरा तकल्लुस जो है वो ताबीर है, वो पब्लिश होने वाली है जल्दी, लेकिन कुछ अशआर मैं आपके सामने पेश करूँगा, बच्चे आपको भी अच्छा लगेगा और यहाँ भी। पहला जिंदगी की उस दौड़ के लिए जो हम सब निकल आए हैं, तो एक शब्द है ताकुब। ताकुब का मतलब होता है परस्यूट, जब हम किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। सो ये हमारे लिए है जब हम निकलते हैं घर से, कि यह जिंदगी तेरे ताकुब में, ए जिंदगी तेरे ताकुब में इतना दूर आ गया, ए जिंदगी तेरे ताकुब में इतना दूर आ गया हूँ कि अब अजनबियों से अपने ही घर की राह पूछता। और जो दौर में हम गुजर रहे हैं, कभी ये स्टूडेंट्स जो हैं हमारे कॉलेज वाले, तो आपको एक वर्ड पता होगा, कायदा। कायदा माने रूल्स। तो ये आप रिलेट करेंगे तो प्लीज वोटिंग करना, है ना। मैं तुम्हें छुप छुप कर देखूं, ये मेरे सारे अपने लिखे हुए और मेरे से रिलेट करते हुए जरूरी नहीं है जैसे सोहेल ने कहा। ना मैं तुम्हें छुप छुप कर देखूं, मुझे लगता है तो मोहम्मद साहब के पास पीएचडी करते करते भी आ जाती है। मैं 11वें साल में हूँ। सो ना मैं तुम्हें छुप छुप कर देखूं, ना मेरे जिक्र पर तुम शर्माओ, ना मैं तुम्हें छुप छुप कर देखूं, ना मेरे जिक्र पर तुम शर्माओ, बिछड़ने के बाद बची हुई मोहब्बत करने का किसी रोज बैठ को एक कायदा बनाते हैं। और ये हमारे वो हॉस्टल वालों के लिए जो मैसेज भेजते हैं गर्ल्स हॉस्टल के मैसेज आपके यहाँ पर, और बीच में कुछ हो जाता है, तो दो शब्द आपको जो दिमाग में रखने, कासिद मतलब मैसेंजर, ये लास्ट शेर है, मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कासिद मीन्स मैसेंजर और फरीबी तो आपको पता ही है, चीटर। तो इत्र से महके खत भेजे मैंने महबूब को पर, इत्र से महके खत भेजे मैंने महबूब को पर, जवाब ना आना अपना नसीब समझ लिया। इत्र से महके खत भेजे महबूब को पर, जवाब ना आना अपना नसीब समझ लिया। एक कासिद था फरीबी हमारे दरमियान, एक कासिद था फरीबी हमारे दरमियान, और हमने सनम को ही बेवफा समझ लिया।